हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो और मेरा नाम से सोनिया सत्तानी तापसाने का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन जोगरदा के हरियाणा में। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी खबर की गला, बड़ी खबर सारे दर्शकों का बता दें जो कि बल्लभगढ़ शामी आई से। बल्लभगढ़ में हॉरर किलिंग का यो मामला शामी आया से और एक बार फिर मानवता पर प्रश्न खड़े कर दिए से। 17 मार्च नगर में एक बेटी का शव जो से वो जड़ा दिया था, बेटी की हत्या करके शव जड़ा। सब इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी की हत्या करी, अपनी बेटी की हत्या करके शव जड़ाया या इस टाइम की बड़ी खबर सारे दर्शकों तक बताने लाग रहे सा। सब इंस्पेक्टर और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया से और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात से आरोपी इंस्पेक्टर। तो यह अहम खबर सारे दर्शकों तक इस टाइम साझा करने लाग रहे सा। जानकारी देता कि लड़की ने कुछ ही दिन पहले लव मैरिज करी थी, जिस तरह लड़की के जो परिजन से वे नाराज चालन लाग रहे थे। पति और परिजना पे लगाया से, उनने पति और परिजना ने हत्या का आरोप लगाया से, उसके पिता पर आरोप से। बल्लभगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया से। 17 मार्च ने घर में हत्या करके उस बच्ची का शव जला दिया था। तो यह इस टाइम की बड़ी और अहम खबर। सब इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी की हत्या करी थी, यह घटना 17 मार्च की से। 17 मार्च ने सब इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी की अपने घर में हत्या करी, फिर शव जो से वो जड़ा दिया। सब इंस्पेक्टर और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया से। कारण बताया जा रहा है कि इस लड़की ने लव मैरिज कर ली थी, जिसके कारण इसके पिता, इसके ताऊ, इसके काका, इसका कुणबा घना नाराज चल रहा था। और इस लड़की के पति ने और ससुराल पक्ष ने इसके पिता पर आरोप लगाया से। तब पति और परिजना ने हत्या का आरोप पिता पर लगाया से। उसके भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया से, यानी कि पिता और ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया से। 15-3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई, 19-2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया और रात को ही उसकी उससे बात हो रही थी। तो उसको उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसके दरखास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के। कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को और हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, जिसकी उसके मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी, वो तीनों घर में थे। और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी तो ये तस्वीर भी दिखाने लाग रहे सा, जो कि अड़े तो शामी आई से अड़े एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी ये बेटी की हत्या कर दी। है आगे बढ़ला सा एक बड़ी अहम खबर की और एक और बड़ी खबर सारे दर्शकों तक इस टाइम बता दें, जो कि इस टाइम शामी आ रही से। चंडीगढ़ तक मुख्यमंत्री ने कोरोना पर जिला उपायुक्त के लिए बैठक करी से और बैठक करके ने मुख्यमंत्री ने नू कहा से कि ईब कोरोना काल के दौरान और एक्टिव होने की जरूरत से। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम ने जिला उपायुक्त तक कोरोना नियंत्रण खातर निर्देश दिए। सीएम बोले कि मास्क ना पहरे नाला पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा, ताकि कोरोना रुके। मास्क ना पहरे नाला का चालान करण पे और घना प्रशासन जोर देवे। तो सीएम मनोहर लाल ने न्यू कहा कि जिला प्रशासन की टीम सामाजिक समारोह की निगरानी करे, जड़े भी सामाजिक समारोह जिला प्रशासन की टीम पहुंच देखे कि कितने लोग इकट्ठे हुए से, कोरोना संबंधित मानदंडा का सख्ती से पालन कराया जाए।
टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे और घना जोर दिया जावे। सीएम मनोहर लाल ने भी बोले, बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। अनिल विज भी नु बोले कि स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड नियमों का पालन होना बहुत घना जरूरी है। आगामी खरीद सीजन ने लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने कही है कि मंडिया में भी तमाम व्यवस्था बरकरार रखी जाएंगी। उपायुक्त आगामी खरीद सीजन की तैयारी पूरी करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि जो मंडी से उड़े भी खरीद के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। तो चलो एक और बड़ी खबर के रुकर ले सा, बड़ी खबर एक बार सारे दर्शकों तक बता दें सा कि जुकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन के दौरान आपने नु देखने मिल रहा है कि किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने लग रहे हैं और इस प्रदर्शन से सारे जो किसान से मैं नुकन लग रहे कि वह पाछे नहीं हटेंगे और किसान आंदोलन का यो 114वां दिन से। और ये तस्वीर सारे दर्शकों तक इस टाइम साझा करने लग रहे सा किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार ने अलग अलग मंडिया पर किसान और सारे ट्रेड यूनियन ने मिलकर विरोध प्रदर्शन कराया। तीन कृषि कानून के विरोध में एफसीआई ने बचाने की मांग लेकर किसान का आड़तिया का हल्ला बोल जारी रहा। सोनीपत के अनाज मंडी में जटवाड़ा 360 खाप समेत कई किसान इकट्ठे हुए। और चलो एक और बड़ी खबर की ओर रुकर लें सारे दर्शक आता है। एक और बड़ी खबर, बल्लभगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बल्लभगढ़ का यो हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जानकारी देता 17 मार्च में घर में बेटी की हत्या करके शव जलाया गया था। 17 मार्च की यह खबर से सब इंस्पेक्टर ने बेटी की हत्या करी थी। 17 मार्च ने यह घटना अंजाम दिया गया था। अपनी बेटी की हत्या करके एक पिता ने शव जला दिया था। एक बार फिर तय मानवता शर्मसार होती नजर आने लग रही। सब इंस्पेक्टर और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। तो घनी जानकारी का राजेंद्र दहिया क्यों रुक कर ला। राजेंद्र, ये जो खबर हम बता रहे हैं, इस खबर में देखिए सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, फिर शव को जला भी दिया, तो यहां क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? 17 मार्च की घटना है, लेकिन आप देखिए कितने दिन बाद आरोपी पिता पर मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी पक्ष है वो अपनी बेटी को ससुराल पक्ष के यहाँ से ले आए थे, ये कहकर लाए थे कि उसकी शादी धूमधाम से दोबारा से करेंगे। जो लव मैरिज उन्होंने की है उससे घर की इज्जत चली गई है और इस तरीके से बेला फसलाकर उस बच्ची को घर ले आए और अचानक जो उस बच्ची की मौत हो चुकी है। और अब जो लड़के के परिवार वाले हैं और लड़का है, उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने जानबूझ के उसकी हत्या की है और घर से उनके वो बहका कर वहां पर ले आए थे और उसके बाद उसको लाकर ऑनर किलिंग में मार दिया है। राजेंद्र, तो क्या ये लड़की नाबालिग थी? नहीं, ये लड़की बालिग थी और ये कॉलेज टाइम से ही साथ में पढ़ते थे, काफी पुराने साथ में पढ़ते आ रहे हैं। और जब घर वालों से इन्होंने मैरिज की बात की तो लड़की के जो परिजनों ने साफ तौर पर मना कर दिया था। उसके बाद आर्य समाज मंदिर में इन दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद शादी के बाद लड़की लड़के के घर चली गई। वहां उसके परिजन पहुंचते हैं और परिजन बहला फसला कर लड़की को अपने घर ले आ जाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी सूचना भी परिवार वालों को नहीं दी जाती है। जिसके बाद उनको जैसे तैसे पता लगता है किसी के माध्यम से, तब उन्होंने ये मामला दर्ज कराया कि लड़की की हत्या की गई है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने चाचा और पिता के खिलाफ, जो दोनों हरियाणा पुलिस में है, उनके खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया है और पुलिस पूरी तरह से इस मामले में जांच कर रही है और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। राजेंद्र, इस मामले में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अक्सर जब भी हॉरर किलिंग की बात आती है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिस आदमी ने हॉरर किलिंग की है क्या वो शिक्षित है या फिर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक सब इंस्पेक्टर वो अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करने पर। कई सारे सवाल है राजेंद्र। सोनिया बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक तरह से कहीं ना कहीं बेटी की बात को लेकर इज्जत का सवाल यहाँ पर मनाया जाता है और उसी बात को लेकर पूरा परिवार उसने अपना दांव पर लगा दिया और बेटी की हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना है, समाज को कलंकित करने वाली घटना है। क्योंकि बच्चा जब बालिग होता है तो वो अपने फैसले लेने में सक्षम होता है और सक्षम होने के बाद ही उन्होंने जो है
तसल्ली से फैसला करके, वो शादी की, लड़की भी खुश था, लड़का भी खुश था, लेकिन परिजन ये कहते कि हमारी इज्जत चली गई है, हम दोबारा। चलिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच लड़की के जो ससुर है उमेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी देखिए, आपकी बहू के रूप में वो जो बेटी है वो आई, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उनके पिता उनकी हत्या कर देते हैं, तो आप इस मसले में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जो कार्रवाई की है या पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उससे आप फिलहाल संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैडम मैं पुलिस जो कार्रवाई कर रही है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, और बहुत अच्छा काम कर रही है, और उन लोगों ने बहुत गलत किया है, हम लोगों से धोखा किया है। आपके घर कितने दिन रुकी थी? नहीं, मेरे घर नहीं रुकी थी, कोर्ट से ही वो लोग ले गए थे कि हम है ना सामाजिक तरीके से कर देंगे और 15 तारीख को कर देंगे, हम 15 मार्च को 5-10 दिन में कर देंगे, और 19 तारीख को रिंग सेरेमनी कराई लोगों ने, फोटो वोटो कराए, सब कुछ तरीके से हुआ, और 15 तारीख को मैंने बोला भाई शादी, 5-10 दिन पहले ही बोला मैंने, लगभग फरवरी में बोला, तो कह रहे हमारे जीजा मर गया, दो थोड़ा सा और हमें टाइम दे दो, ये सामाजिक तरीका है। तो और उन लोगों ने 17 तारीख को लड़की घर में मार के और अपने गांव में जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, हमारे कोई सूचित नहीं किया, और मेरा पूरा परिवार बहुत सदमे में। उमेश जी ये बताएं कि आप शादी का प्रस्ताव लेकर उस लड़की के पिता के पास गए थे? नहीं जी, उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, पुलिस प्रोटेक्शन मिला था, पर उन लोगों ने कहा कि आज में इज्जत खराब हो जाएगी समाज में, ये है वो है, हमें ना फिर मैंने भी 2-4-5-10 आदमी सामाजिक आदमी थे, तो उन्होंने कहा 5-10 में आपको बुला लेंगे, शादी कर देंगे तरीके से, इज्जत से, आप हमारे घर से विदा करेंगे। तो आपका परिवार इस लव मैरिज को लेकर सहमत था, खुश था? बहुत, हमारा परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग बहुत परेशान है। लेकिन आपको कब पता चला कि उस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके पिता ने ही हत्या की है, आपको कब पता चला? कल मेरे लड़के के पास किसी उनके रिश्तेदार की लड़की का फोन आया कि वो तुझे कुछ पता कोमल के बारे में, उसने कही मुझे तो नहीं कुछ पता, तो पर कोमल का 17 तारीख को रात को लड़के के पास मैसेज आया था कि मेरे पापा और चाचा दोनों लाइट बंद करके कुछ संदिग्ध अवस्था में है और मुझे डर लग रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, उसके बाद लड़के का कोई संपर्क टूट गया और वो सो गया। अगले दिन 11 बजे उसके सहेली का फोन आया, उसने बताया कि उसने तो मार दी है लड़की। आपने लड़की के पिता से बात की उमेश जी, जानने की कोशिश की क्यों मारा गया? गया उनके, जो मुझे पता चले मैं उनके घर गया तो ताला बंद था, फिर मैंने पूछताछ करके मैं उनके गांव में गया तो वहां पता लगा कि उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है, हमसे बिना पूछे, हमें कोई सूचित नहीं किया। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ ये उमेश हमारे साथ जुड़े जो कि मृतका के ससुर हैं, उन्होंने कहा कि इस लव मैरिज से, इस प्रेम विवाह से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, और ससुराल पक्ष को किसी तरह से इस प्रेम विवाह से कोई भी दिक्कत नहीं थी, सबकी रजामंदी थी, लेकिन लड़की पक्ष की ओर से इस लव मैरिज को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही थी। और इसी बीच सब इंस्पेक्टर पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, दिल्ली की दहलीज पर किसान लगातार डटे हुए हैं, तो इसी बीच आज किसानों ने भी मंडिया में प्रदर्शन कराया, सारे ट्रेड यूनियन की गिला मिलकर यह प्रदर्शन करा गया 3 कृषि कानूनों के विरोध में। खेती और एफसीआई ने बचाण की मांग लेकर किसानों ने और आढ़तिया ने हल्ला बोला से, सोनीपत के अनाज मंडी में जटवाड़ा 360 खाप समेत कई किसान संगठन इकट्ठे हुए और सरकार की नीतियां के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। गोहाना चरखे दादरी में भी किसानों ने आढ़तिया ने और मजदूरों ने मिलकर मंडी में प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। तनी उन्होंने यमुनानगर में किसानों ने कहा आके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, गेहूं की खरीदने लेकर किसान परेशान करे जा रहे हैं। जजर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनाज मंडी में आढ़तिया किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। 5 तस्वीर अलग अलग जगह आते सारे दर्शक आते दिखाने लाग रहे सा, सोनीपत, गोहाना, चरखी दादरी, यमुनानगर और झज्जर तजड़ सारे किसान इकट्ठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन कराया गया। मंडी बचाण की मांग करी गई, आड़ती इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए।
आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो प्रोग्राम हमने 28 तारीख तक फिक्स कर दिया है, आज 19 तारीख को हमने मंडियों के जो प्रदर्शन किया है, मंडियों के साथ घेराव करेंगे अधिकारियों के साथ, जो हमारा भारत बंद का ऐलान है उसके बारे में चर्चा होगी। और जब तक हमारे तेल काले कानून वापस नहीं होते, MSP कानून नहीं बनता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा पूरा भारत का जनता जो हमारे साथ है। संयुक्त मोर्चे की काल पे आज पूरे देश की मंडियों में धरना दिया जा रहा है, एक खेती किसानी को बचाने के लिए, मंडियों को बचाने के लिए, FCI को बचाने के लिए। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका वही हद का जो डंडा दिया हुआ है सरकार द्वारा उसको हटवाने के लिए ये 4-5 मांगों को लेके पूरे देश की मंडियों में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें मजदूर भाई भी हैं, आढ़ती भाई भी हैं, किसान भाई है भी हैं, सब लोग मिलके इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को चेताने के लिए। आज जो है किसान और आढ़तियों का एक प्रदर्शन संयुक्त ही है, क्योंकि आढ़ती की जो आढ़ती शब्द है वो किसान से शुरुआत होती है उसकी। अगर किसान नहीं है तो आढ़ती है ही नहीं, कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है कोई। और सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं गेहूँ खरीद के, उससे आढ़ती को भी परेशानी है और किसान को भी परेशानी है। जिस प्रकार हम शुरू से अपना कारोबार कर रहे थे, सुचारू रूप से चला रहे थे और किसान को सुविधा दे रहे थे, तो वो सुविधा हम शायद ना उस तरह से दे पाए क्योंकि सरकार के नीचे तनुने रोहिंग्या मुसलमान पईब केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार भी सख्त होती नजर आने लग रही है। प्रदेश के विवाद इलाके में रोहिंग्या मुसलमाना के बसण की खबर के बाद ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज बोले कि भारत देश कोई धर्मशाला कोने जेड़े कोई भी आके बस जा। उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। तनुने सोनीपत के कोच में एक पुलिसकर्मी के एक कुख्यात गैंगस्टर ने गोली मार दी थी। ये हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने फैसला कराया था। अनिल विज ने बढ़ते अपराध के मद्देनजर यह फैसला लिया था कि हरियाणा की अदालत में भी सुरक्षा के बंदोबस्त और घने कड़े करे जाएंगे। विज ने कड़े शब्दों में कहा कि कितने भी किस्से की भी दादागिरी नहीं चालने दी जाएगी। पूरी तरह से उसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है और कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जिसके ऊपर पुलिस ने अपना शिकंजा टाइट ना किया हो। सारे ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोग हैं उनको ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। बकायदा उसके लिए हमने एक SIT बना रखी है, वो काम करती है उसके ऊपर। कहीं पर भी किसी को कोई इस प्रकार की जो दादागिरी है वो करना नहीं दी जाएगी। तो उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत ने कई दिन पहले एक जींस ने लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने एक महिला फटी और जींस में देखी तो उसमें के संस्कार होंगे। तो इस बयान पे इनने कुमारी शैलेजा ने अपना रिएक्शन दिया से। उन्होंने कहा कि ढाल के बयान से बीजेपी नेताओं की मानसिकता साफ साफ देखने में मिले से। बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं की दशा दयनीय है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पंचायती चुनाव में हो रही देरी ने लेकर कहा कि बीजेपी से जाते पंचायत चुनाव में देरी हो रही से। किसान आंदोलन हो या फिर महंगाई हो, लोगों में त्राही त्राही माची उड़ से। तनुने बीजेपी सरकार के लाए गए संपत्ति नुकसान आपूर्ति कानून का विरोध करते हुए बोले कि इस कानून की इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। इस कानून में इसे प्रावधान से जो इस और इशारा करे सके कानून किसान आंदोलन ने कमजोर करने खातर लिया गया है। जब आप एक ओहदे पर आते हैं तो आपको देखना पड़ता है और आज का युवा क्या कर रहा है, क्या जाता है, कैसे करता है। आप अपना डिस्कनेक्ट दिखा रहे हैं और इस तरह की बात करके आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं। दुनिया आगे जा रही, युवा आगे जा रहा है और ये अपनी मानसिकता ऐसी दिखाते हैं। अग्रेसिव लोग हैं ये। अच्छा होगा कि मानसिकता ये दिखाएं जो बढ़ते हुए क्राइम है। आप उनके पड़ोस में देख लीजिए, हमारे पड़ोस में देख लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए, उनके यहाँ अपने राज्य में देख लीजिए, इनकी सरकार महिलाओं के प्रति क्या है। कानून आप लाए किस लिए हो? आज के दिन आप केवल किसानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए लाए हो। इसकी टाइमिंग भी तो आप देख लीजिए। अच्छा होता, डिस्कस होता, इसको पब्लिक डोमेन में लेकर आते। कितने प्रावधान है जो कि नहीं होने चाहिए। डर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने से डर रहे हैं। हिम्मत नहीं है, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। नजर बंद हो जाते हैं, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, लोग उनको निकलने नहीं देते।
भाई जनप्रतिनिधि हो आप, लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते हो, काहे के प्रतिनिधि हो आप, लोगों का विश्वास खो बैठे। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पीयू यूनिवर्सिटी में हरियाणा के हिस्से की मांग करते हुए मुद्दा उठाया है। पीयू में सीनेट में हिस्सेदारी बहाल करने पर उन्हें पुरजोर मांग करते हुए पीयू में प्रशासनिक सुधारा ने लेकर उपराष्ट्रपति की ओर से गठित विशेषज्ञ के समिति हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से पत्र लिखा तो दिग्विजय चौटाला ने इस विषय में एक अन्य पत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लिखते हुए कहा कि पीयू में हरियाणा का हक वापस लेने की दिशा में तकनीकी आवश्यकताओं ने पूरा करने खातर प्रदेश सरकार ने भी आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस माड़खा तो कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के आवास पर लगातार ईडी की रेड लगातार जारी है। आपने जानकारी दे दिया कि घर ठिकाना पर इनकम टैक्स ईडी की रेड पिछले 60 घंटे तक जारी है। बुधवार तड़के 6 बजे तक इनकम टैक्स के अधिकारी ईडी की टीमा की ओर से छापेमारी करी जा रही। बता दें कि विधायक पर टैक्स चोरी के आरोप के चलते विभाग ने उनके घर और अन्य ठिकाना पर भी रेड करी थी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कति दुरुस्त होती नजर नहीं आने लाग रही है और कति त्रस्त आड़े की व्यवस्था नजर आने लाग रही है। रेवाड़ी के गांव भगवानपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल में मैज 3 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल में 10 कमरे हैं लेकिन विद्यार्थी केवल 2 से, जिसमें भी कदे कदे वो स्कूल आवास है। यू हालत बावड़खंड के गांव धारण की डाणी की है। आड़े भी एक अध्यापक से एक छात्र है। यू हालत इससे साल नहीं बल्कि या जो हालत है बीते साल भी नहीं हुई थी। इस मामले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बोले कि जिले में 38 मिडिल स्कूल और 25 प्राइमरी स्कूल जो हैं, जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में पड़े नाले दूसरे बालक मर्ज करे जाएंगे तो 6 से स्कूल हैं जड़े एक भी बालक नहीं सर पुड़े। 1 अप्रैल के बाद नई नियुक्ति करी जाएंगी। पांच तक का अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। अभी मौजूदा में एक ही बच्चे एक ही को पढ़ा रहे हो? हाँ जी। 2 बच्चे आते ही नहीं है ना? आते हैं, एक नहीं आ रहा। एक के पेरेंट्स ने मना कर दिया कोरोना की वजह से जी। अब मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, आज एक ही आया। आज एक ही तो पूरे दिन आप एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ जी, एक को पढ़ाएंगे। आखिर कारण क्या है कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं? ये दोनों वहाँ इकट्ठे हैं, ये रास्ता है बीच में, और ये 1 से 5 है वो हाई स्कूल है। उनके पेरेंट्स अपने बड़े भाइयों के साथ भेजना पसंद करते हैं। सिक्योरिटी हो जाती है भाई, छोटे बहन भाई को ले आएंगे, इसलिए स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल है 6 के 6 जहाँ पर एक भी अध्यापक नहीं है, टीचरलेस स्कूल। तो 3 तो बावड़ ब्लॉक में है, 1 रेवाड़ी ब्लॉक में है, 1 खोड़ ब्लॉक में है, 1 जक्शन। सर टीचर नहीं है तो फिर कहीं दूसरी स्कूल से व्यवस्था कर रखी है हमने, हमारे क्लस्टर हैं जी। तो वहाँ का जो क्लस्टर हेड है उसको कह रखा है कि वो अपने पास से जहाँ पर उस क्लस्टर में फालतू टीचर है तो वो वहाँ से वहाँ भेज रहा है। एक और सरकारी अध्यापका की ड्यूटी परिवार पहचान पत्र बनाने में लाई जा रही है, जिसने लेकर ने सरकारी स्कूल के जो अध्यापक से वही इनका प्रदर्शन करने लाग रहे, इनका विरोध करने लाग रहे हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक खंड सिरसा की कार्यकारिणी ने उपायुक्त कार्यालय में मांगा न लेकर प्रदर्शन कराया। शिक्षा मंत्री तपड़ी मांगा संबंधित ज्ञापन जो है BDPO राजेंद्र सिंह तसोपिया। ज्ञापन की मांग न्यू रही कि टीचर्स की जो परिवार पहचान पत्र सर्वे में ड्यूटी लाई गई से वह ना लाई जा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान बंसीलाल जोरड़ ने बताया कि टीचर्स का काम केवल बालका तो शिक्षा देना से, लेकिन प्रशासन सरकार की ओर तो उनकी ड्यूटी दूसरे प्रशासनिक काम में लाई जा रही है। टीचर्स ने मांग करी थी कि JPT अध्यापका की परिवार पहचान पत्र के सर्वे में ड्यूटी न लाई जा, जब तक लंबे टाइम तक कोरोना के चलते स्कूल में छात्र नहीं आ रहे थे। ऐसे में ईब छात्र आने शुरू हो गए से, शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गया था, लेकिन ई ढाले न्यू ड्यूटी ना लाई जा। आज राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ की जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणियों ने संगठित होकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के माध्यम से शिक्षा मंत्री को 2 मेन मुद्दों पे जो है ज्ञापन सौंपा है। एक तो जिला परिषद द्वारा फेस लिफ्टिंग का कार्य करवाया गया है, कार्य टेंडर के द्वारा करवा कर, और अध्यापकों को ये दबाव बनाया जा रहा है कि चेक तुम काटोगे, जबकि हमने काम करवाया ही नहीं है। तो हमारी एक मांग थी, एकमात्र मांग ये थी कि जिला परिषद ने यदि कार्य करवाया तो जिला परिषद ही उसकी पेमेंट करे, अध्यापक का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि 1 साल कोरोना काल के
स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में जो टीचर जब स्कूल के अंदर आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इन्होंने टीचर की ड्यूटी जो है सर्वे में लगा दी। तो हम इसका पूर्ण रूप विरोध करते हैं, पूर्ण बहिष्कार करते हैं कि हम कोई सर्वे नहीं करेंगे, और हम एकमात्र काम हमारा शिक्षक का है वो बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को केवल पढ़ाएंगे। यदि इसके बाद भी सचेत नहीं हुई जिला प्रशासन और सरकार, तो हमें कोई सी भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी खबर से, देखते रहो थरापना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारे ने।